कर रहे हो, मर्डर कर दो, आप मेरा अभी मर्डर कर दो और आप जाके बीजेपी में मिल जाओ, कोई नहीं आपकी उंगली उठाएगा कि आप क्या कर रहे हो। तो मंत्री आपका नहीं होगा, इसलिए मंत्री मंत्री चक्कर छोड़ करके विशेष राज का ही दर्जा मांग लीजिए, क्योंकि इनका जो जो भी है इनके टूट पार्टी में तो टूट होती है हर 6 महीने पर। स्पीकर इसलिए अपने पास रखिएगा कि कल को आप इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे तो आपके आपके सांसदों को अघोषित ना कर दिए। नरेंद्र मोदी भी सही नहीं है, चाय बेचते बेचते उनका एजुकेशन सिस्टम हाई लेवल का हो जा रहा है। मोदी की जो गारंटी जो बोलते थे ना चुनावी मंच, मोदी की गारंटी है, अरे मोदी की गारंटी फुस हो गई, फुस। एक्चुअली नई सरकार ये मोदी तो हमें बिल्कुल चाहिए नहीं था, कहीं ना कहीं हमको चाहिए नहीं था मोदी। आज भी मैं बोलती हूँ कि कांग्रेस इज द बेस्ट, एजुकेशन के मामले में राहुल गांधी को आना चाहिए। भगवान जाने मोदी जी रहेंगे तब तक या नहीं रहेंगे। ठीक है, बात की जाए देश की, देश की जनता इस बार मूड जो बना चुकी थी वो चेंज का मूड बना, राज्यसभा में भी मजबूत है, इसी समझिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है राज्यसभा में, यहाँ लोकसभा में भी हम लोग मजबूत है। आप कोई गलती कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, मर्डर कर दो, आप मेरा अभी मर्डर कर दो और आप जाके बीजेपी में मिल जाओ, कोई नहीं आपकी उंगली उठाएगा कि आप क्या कर रहे हो। ये आपको ऐसे क्यों लग रहा है सर? एक्चुअली यहाँ पे लगने की बात नहीं है, आप देख रहे हैं ना मीडिया की हालत देखिए, फिर से मतलब जो हमारी ये बीजेपी है उसकी कंडीशन देखिए, उसमें एक एक लोग रेपिस्ट भरे पड़े हैं, एक एक लोग मर्डरर है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है उसमें जो सही है। नरेंद्र मोदी भी सही नहीं है, चाय बेचते बेचते उनका एजुकेशन सिस्टम हाई लेवल का हो जा रहा है, कोई भी पूछे कहाँ से पढ़े, गुजरात से, उन्होंने ओ भाई हम लोग उस औकात तक पहुँच नहीं पा रहे और वो पहुँच गया चाय बेचने वाला बंदा, आज के डेट में बोल रहा है कि हम एजुकेटेड है। और उनसे अगर लाइव उनसे कॉन्स्टेंट पूछा जाए कि आप मतलब आके बातचीत कीजिए तो क्यों नहीं आते हैं? राहुल गांधी ने ओपन चैलेंज दिया था कि आगे हमसे डिबेट करें मोदी, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेंगे भाई, नहीं कर पाएंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। उनके पास नॉलेज होता तो जाहिर सी बात है 10 सालों में जो सरकार आपने बनाया है वो आप आके सामने जनता से बात तो करते, सिर्फ वोट लेने के लिए भाइयों और बहनों हमें वोट दीजिए, क्यों दे भाई, नहीं देंगे, हमसे नहीं है ये, पता नहीं कैसे जीत गए, हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। समर्थन है बट फिर आ रहे हैं आपके पास। देखिए इन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, जो बोली है इन्होंने बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आज जो है एक मोदी का जो भी देख रहे हैं सब दिखावा है, काम के लायक कुछ नहीं है। देखिए बात की जाए अमेरिका की, जैसे उन्होंने बात करी कि अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड, और हम कहीं विकासशील, हम विकसित की बात करते हैं, हम तो विकासशील देशों में भी नहीं है हमारी काउंटिंग, तो विकसित पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, वो भगवान जाने मोदी जी रहेंगे तब तक या नहीं रहेंगे। ठीक है, बात की जाए देश की, देश की जनता इस बार मूड जो बना चुकी थी वो चेंज का मूड बना के वोट कास्ट करी थी, चेंज के मूड के हिसाब से वोट कास्ट किया था, और कहीं ना कहीं जनता ने जो मैंडेट दिया था वो चेंज के लिए दिया था, थोड़ी सी छीट से रह गए पर कोई नहीं, थोड़ा समय रुकिए, 1 साल 6 महीने का सरकार गिरे, स्ट्रांग है, है? विपक्ष इतना स्ट्रांग है कि कोई भी बिल लाएंगे तो 2/3 बहुमत चाहिए पास करने के लिए, और कोई भी बिल लाएंगे 2/3 बहुमत कहीं से कहीं तक सिद्ध नहीं हो पाएगा और इनका जो बिल होगा वो खारिज हो जाएगा। राज्यसभा में भी मजबूत है, इसी समझिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है राज्यसभा में, यहाँ लोकसभा में भी हम लोग मजबूत हैं, दोनों सदनों में मजबूत हैं, तो कहाँ से कोई बिल पास करवा पाएंगे? राष्ट्रपति स्टैंप वाला रख रखोगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा जब तक कोई बिल पास नहीं करवा पाएंगे। हम ये बोल रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि विशेष राज का दर्जा मांगे, मंत्री का दर्जा छोड़ दें, क्योंकि जिसको ये मंत्री बनाएंगे वो इनका मंत्री नहीं रहेगा, वो 1 महीना के अंदर वो मंत्री आरसीपी की तरह हो जाएगा, डायरेक्ट प्रधानमंत्री से डील होगा, हरिवंश की तरह हो जाएगा, तो वो मंत्री आपका नहीं होगा, इसलिए मंत्री मंत्री चक्कर छोड़ करके विशेष राज का ही दर्जा मांग लीजिए, क्योंकि इनका जो भी है इनके टूट पार्टी में तो टूट होती है हर 6 महीने पर, हरिवंश गए वो गए, ललन सिंह भी चले जाएंगे सेटिंग कर लेंगे। और है अभी शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं उनका एक बयान आया अभी रिसेंटली, थोड़ी देर पहले की बात है, 4-5 घंटे पहले की, उन्होंने ये बोला नीतीश और चंद्रबाबू से कि आप लोग स्पीकर अपने पास रखिएगा, स्पीकर इसलिए अपने पास रखिएगा कि कल को आप इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे तो आपके आपके सांसदों को अघोषित ना कर दें, मतलब उनका जो मान्यता है वो मान्यता खारिज ना कर दें, इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि अपने पास स्पीकर पद रखिए, क्योंकि ये मोदी है ये कुछ भी कर सकता है। नीतीश ठीक है, नीतीश जी की एक आदत है कि वो अपने विधायकों और सांसदों के पीछे जासूस लगाकर रखते हैं, उसके बावजूद इनके सांसद और विधायक जो है कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, इनको पता भी नहीं चलता है, तो जैसे टीचर है वैसे इनके स्टूडेंट है वो पलटते हैं, इसी तरीके से इनके स्टूडेंट भी पलटते हैं, तो बहुत जल्दी संजय झा और ललन सिंह कब
कहाँ चले जाए इनको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए ये मंत्री पद ले ही ना वही बेहतर है। संविधान की बात करते थे पूरे चुनाव कैंपेन में, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ संविधान 400 पार एक सिर्फ जिस दिन से इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है 400 पार। यहाँ पे एक बड़ा होर्डिंग लगा था यहाँ पे कुछ दिन पहले, पीछे बैक साइड लगा था, अब की बार 400 पार। अरे 400 पार करते करते 242 पे सिमट गए, 242 पे ही सिमट गए, 272 में सरकार बनती है। अरे 240 या 242 एक दो नंबर इधर उधर, 272 पे सरकार बनती है। इस बार इनको कहीं ना कहीं दब के राजनीति करनी पड़ेगी नरेंद्र मोदी को। मोदी की जो गारंटी, जो बोलते थे ना चुनावी मंच, मोदी की गारंटी है, अरे मोदी की गारंटी फुस हो गई, फुस। ठीक है, अब इनको एनडीए की गारंटी बोलनी पड़ेगी कि ये एनडीए की गारंटी है, कह भी रहे हैं वो। ये बताइए, जिस तरीके से बिहार से फिर से इतने सांसद चुन के भेजे गए हैं, निर्दलीय भी भेजे गए हैं, अदर पार्टी के भेजे गए हैं, फिर से पक्ष वाले विपक्ष वाले भी हैं, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग क्या लोग उठाएंगे? अब नीतीश कुमार के मंत्री भी, नीतीश कुमार के साथ जो रहने वाले बहुत करीबी लोग भी अब मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दी जाए, तो क्या नीतीश कुमार उस मांग को रखेंगे वहाँ पे? आई थिंक मेरे हिसाब से, मतलब 2005 से देख रही हूँ मैं नीतीश कुमार को, मैं मेरा 2002 में जन्म हुआ है, एंड मैं जब से देख रही हूँ तब से, मैं जब से होश संभाली हूँ तब से, तो कुछ कर नहीं पाए। अब क्या ही करेंगे और किस बारे में मुद्दा उठाएंगे? वहाँ पे एक से एक मतलब लोग बैठे हुए हैं जो कि ना ही उनके घर का पता है, ना ही फैमिली का पता है, खुद तो मतलब क्या बोलूँ, अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो भी बुरा है, अगर खुद कुछ नहीं कर पाते तो हमारे ऊपर थोपते हैं सबसे चीज। नई सरकार से आपको उम्मीदें क्या क्या है? एक्चुअली नई सरकार, ये मोदी तो हमें बिल्कुल चाहिए नहीं था, कहीं ना कहीं हमको चाहिए नहीं था मोदी। आज भी मैं बोलती हूँ कि कांग्रेस इज द बेस्ट, एजुकेशन के मामले में राहुल गांधी को आना चाहिए, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी जो है वो चाय बेचने वाले, वो हमें चाय बेचने के लिए एजुकेट करेंगे कि हाँ एक कप में 10 रुपए का चाय बिक सकता है, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोलेगा। राहुल गांधी, उनको एजुकेशन के बारे में पता है और वो पढ़ के यहाँ पे आए और वो हमको शिक्षित करेंगे। उनके बदलाव से हम को देख रहे हैं कि वो एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किए, उन्होंने क्या क्या नहीं देखा अपने लाइफ में, उन्होंने जो जो देखा वो हम जैसे किसान की बेटियां, हमारे देश में भाई जितने भी हैं, भाई बहन, सबको ही नहीं इतना तकलीफ उठाया, उन्होंने भी बहुत तकलीफ उठाया, उनके पूरे खानदान ने बहुत तकलीफ उठाया है हमारे लिए, और देश का पूरा हक बनता है कि एनडीए का सरकार आना चाहिए। बट ये गलती से हुआ कि कैसे हुआ, गठबंधन सरकार ही सही, नहीं चाहिए हमको नरेंद्र मोदी, हमको राहुल गांधी चाहिए, हमको राहुल गांधी चाहिए। अगर हो सके, एक्चुअली देखिए पसंद मुझे कोई नहीं है, ना ही नरेंद्र मोदी और ना ही राहुल गांधी, उनका भी बैकग्राउंड कुछ सही है नहीं, बट आज के डेट में हम 10 साल से नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों को देख देख के थक चुके हैं, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा थक चुके हैं। हमें बस एजुकेशन के मामले में राहुल गांधी इसलिए बेस्ट लगता है क्योंकि वो एजुकेटेड है, और एजुकेटेड इंसान को पता होता है कि एजुकेशन क्या होता है, बस कैसे हासिल किया जाता है, क्या प्रॉब्लम होता है और क्या हमको मतलब झेलना पड़ता है, वो सब राहुल गांधी को पता है। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा कर रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये थिंग, अगर मैं जा पाती तो मैं जरूर जाती, बट आई एम श्योर मेरे घर वाले जाने नहीं देते, बट अभी मैं यहाँ पे तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं जरूर एक बार जुड़ना चाहूंगी उनके साथ, और कहीं ना कहीं अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगी। और प्लीज आप लोग ये गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी के चक्कर में पड़ना छोड़िए, कांग्रेस सरकार इज द बेस्ट एजुकेशन के मामले। अभी जिस सरकार के साथ गठबंधन किया है वो सरकारें वहां से खत्म हो गई हैं। महाराष्ट्र देख लीजिए क्या स्थिति हुई वहां पे, महाराष्ट्र देख लीजिए वहां क्या स्थिति हुई, मध्य प्रदेश देख लीजिए वहां पे उन्होंने खरीद फरोख्त करके वहां से सरकारें गिरा दी, तो हरियाणा देख लीजिए क्या किया, जेजेपी के साथ गठबंधन था वहां पे सरकार गिरा दी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपने फायदे के लिए गठबंधन के लोगों को यूज करते हैं। मैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से अभी भी बोलना चाहूंगा कि अभी भी समझ जाइए, वक्त है आपके पास, ठीक है, अभी भी आपके सांसद आपके पास है, पता ना एक साल बाद पता नहीं क्या हो जाए, कहीं आपके सांसद उनके 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 अगर उनके कैबिनेट में और उनका हिस्सा बन गए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, तो आप कहीं के सही कहीं तक के नहीं रहेंगे। ये बताइए नई सरकार से उम्मीदें क्या है आपको? नई सरकार से उम्मीदें ये, देखिए अपेक्षाएं ये है कि अग्निवीर योजना को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, ठीक है, उसमें कोई समीक्षा की जरूरत ही नहीं है, पूरी तरह से निरस्त, क्योंकि वो देश हित में है ही नहीं, युवाओं के हित में है ही नहीं वो योजना बिल्कुल पूरी तरह से। कई सारी और भी यूसीसी है, ठीक है, यूसीसी है, वो भी उस पर भी चर्चा का विषय है, देखिए चर्चा होती है या नहीं होती वो भगवान जाने, ठीक है।
कई सारे ऐसे जो इनके जो लाइव जीएसटी जो इन्होंने एजुकेशन पे जो जीएसटी लगाया है वो हटाना चाहिए, जो कि कहीं से कहीं तक सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे जो विशेष राज्य का दर्जा, हाँ बिल्कुल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इंडस्ट्रीज कल कारखाने बिल्कुल आने चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो बाहर, सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो बिहार का जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा बाहर पलायन के लिए जाते हैं। रोजगार, अगर रोजगार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बिहार, यूपी, सॉरी दिल्ली, बैंगलोर, अदर स्टेट से ज्यादा कंट्रीज में लोग बिहार के जाते कमाने के लिए। अगर यहीं पे सारी सुविधाएं अवेलेबल होती तो यहीं पे लोग यहाँ पे अपना रोजगार करते। ठीक है, कुछ अंधभक्त ऐसे हैं कहते हैं कि पढ़ा दिया लिखा दिया रोजगार खुद से कर लेंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, सरकार चुन रहे हैं हम लोग, सरकार से प्रश्न पूछने का राइट हमारा है। ठीक है, और बात की रोजगार की, अस्पताल की, इलाज की, इलाज की बात की जाए तो बिहार में कोई इतना बड़ा बढ़िया अस्पताल नहीं है जहाँ पे हम अपना इलाज कराए। अगर है भी तो गरीब लोगों के लिए वो अस्पताल नहीं है, इसलिए नहीं है कि वहाँ पे गरीबों के पास अगर पैसा होता तो दिल्ली जैसे शहरों की तरफ, एम्स की तरफ थोड़ी ना झुकाव करते, छः छः महीना एक एक साल का डेट थोड़ी ना लेके बैठते। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन की बात की जाए पढ़ाई लिखाई की, तो हम लोग आज भी पढ़ाई लिखाई के लिए दूसरे स्टेट्स अदर कंट्रीज में जाना पसंद करते हैं। बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जा की बात देने की बात की गई तो क्या नीतीश कुमार बात रखेंगे? अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज से अगर कंपैरिजन लगाते हैं बिहार की यूनिवर्सिटीज का तो बहुत फर्क है। जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, जिसका रिजल्ट 2 साल बाद 3 साल बाद आता है, आपको ही पता होगा, सबको पता है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट होता है, एग्जाम होता है मई जून में, ठीक है, और रिजल्ट आ जाता है नवंबर दिसंबर में। तो जो जो वहाँ का सिस्टम है और वो यहाँ के सिस्टम में बहुत जमीन और आसमान का डिफरेंस है। तो लोग इसलिए अपनी अपने वक्त को ना बर्बाद करके लोग दूसरे शहरों की तरफ इसलिए कुछ करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। तो कई सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार में कहीं ना कहीं लोग विफल, कहीं ना कहीं अपने आप को असहज फील कर रहे थे, तभी इन्होंने चेंज, जो जो चेंज जनता ने जो मैंडेट दिया है वो चेंज का इसलिए मैंडेट ही दिया था। क्या नाम आपका? राज सिंह। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इमरान खान। क्या बोलना चाह रहे थे आप? नीतीश कुमार ने हम लोग फॉर्म भरा रहा तो उसने नहीं भरा, 4 महीना 6 महीना कट गया, ये विधानसभा ना थकते थकते आ जाएंगे। नीतीश कुमार को चाहिए कि जो जो फॉर्म भर था उसका अभी तक नहीं कुछ हुआ। ठीक, क्या नाम हुआ? हाँ बोलिए चाचा, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि आज तक नरेंद्र मोदी क्या किया? आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आज तक नरेंद्र मोदी क्या किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। कुछ न किया। अभी बोलेंगे।